अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को यह मशवरा दिया गया था कि आप सियासी जमातों के साथ मुशावरत करें, उनके साथ बैठें और अपनी जो मुश्किलात हैं वो भी कम करें और ये जो मसाइल हैं आपके, सियासतदान आपस में बैठकर हल करें। इमरान खान ने अब काजी फायज ईसा को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। खान ने काजी को खत लिखने का फैसला किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जाएगा कि काजी साहब, ये जो आप मशवरे दे रहे हैं कि आप बैठे सियासतदानों के साथ और मसाइल का हल निकालें, तो खत में मैंडेट की वापसी, पीटीआई वर्कर्स पर जो केसेस बनाए गए हैं और अपने ऊपर जो मुकदमात है उसमें फेयर ट्रायल्स का मुतालबा किया जाएगा कि आप ये तो कह रहे हैं कि आप सियासतदानों के साथ बैठे और आपके जो सियासी मसाइल हैं उनके साथ बैठ के हल करें। अब जो हमारे अदालती मसाइल हैं, जो आपके सामने जो आप चीजें हल कर सकती हैं, पहले जरा आप वो तो हल करें और आप ये तो हमें बताएं कि सियासतदानों के साथ तो हम बैठेंगे, वो तो मसले का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप मशवरा तो दे रहे हैं लेकिन आपकी एंड पे जो काम है जरा वो तो हल करें। फिर नंबर टू, आज कौमी असेंबली के अंदर एक तो पीटीआई की जानिब से वॉकआउट किया गया और ये जो उमर अयूब के साथ आज सरगोधा के अंदर हुआ है, उसके साथ ही उमर अयूब ने आज कौमी असेंबली के अंदर ये इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो सरगोधा के अंदर पुलिस ने आज सारा दिन जो तमाशा लगाया रखा और फिर भी बहादुर जज ने तमाम कारकुनान को बरी करने का हुक्म दिया, तो ने कहा कि मुझे पुलिस ने और दीगर जराए ने यह बताया है कि जज साहब को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने घेरा हुआ था, मुसलसल उन पर दबाव डाला जा रहा था कि आप जमानतें खारिज करें और कारकुनान की बरियत का फैसला आप ना दें। तो लिहाजा अब काजी साहब का यह भी इम्तिहान है कि काजी साहब तो कहते कि मेरे होते हुए कोई जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जरा अब बताएं कि यह कैसे हो गया। नंबर टू, आज शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ? शहबाज शरीफ ने जनाब नरेंद्र मोदी को और शहबाज और नवाज दोनों ने, बेशक ये कोई कौमी लेवल का इशू हो उस पर ये जागें या ना जागें, लेकिन ये इस तरह के मामला भारत वाले मामले पे जरूर जागते हैं। तो पहले आज बड़े भाई साहब ने बड़ा मोहब्बत भरा पैगाम भेजा मोदी को और फिर छोटे भाई ने, शहबाज शरीफ ने मोदी को मुबारकबाद दी और मोदी ने भी उसका जवाब दिया। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ हुआ क्या? जब शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर वीपीएन लगा के मुबारकबाद दी मोदी को, तो नीचे से ट्विटर की जानिब से कम्युनिटी नोट लगा दिया गया। ट्विटर ने कहा, जरा सुने भाई साहब, आप वजीर आजम नहीं है, आप पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते, आप फार्म 47 के वजीर आजम हैं, आप जाली वजीर आजम हैं, तो लिहाजा आप बतौर वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद कैसे दे सकते हैं? तो लिहाजा हर जगह पे इनको, इनके साथ वो होती है और हर जगह पे बेइज्जती होती है लेकिन ये महसूस नहीं करते। अच्छा, फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर मैच पड़ा हुआ है, बड़ी खबरें हैं और कल का दिन बड़ा अहम है। नंबर वन, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कल बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की जो दरख्वास्त है उस पर कल समाअत होने जा रही है और ये आखिरी केस जो बुशरा बीबी पे बचा हुआ है, इमरान खान पे बचा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस भी खत्म हो गया लेकिन आज फिर शाह महमूद कुरैशी के जो है वो जो 8 केसेस हैं उन पे 9 मई के उनके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड में तोसी हो गई। अच्छा, फिर कल जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सबसे अहम केस है वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से मामलात को देख रहे हैं और आपको पता है कि फिर उनको चैलेंज किया गया इलेक्शन कमीशन में, मुंशियों ने फौरी तौर पे आज फैसला दे दिया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस वो ना सुने और जज तब्दील किया जाए। तो अब देखना यह है कि ये जो एक नोक से मुंशियों की जानिब से जज को तब्दील किया गया है, इस पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का रद्द अमल क्या होगा, कल वो क्या करते हैं, क्या खबर आती है उनकी अदालत से, ये भी कल के दिन जो है वो अहम तरीन खबर होगी। फिर आज सनम जावेद के साथ जो कुछ किया गया इस पे भी काजी साहब से जो है जवाब मांगा जा रहा है। शाकर
महमूद हैं अबान, लाहौर से रिपोर्टर हैं हम न्यूज़ के, कहते हैं सनम जावेद खान और आलिया हमजा का मजीद गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्द अदालत ने 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मियां अली अशफाक के घंटों के दलायल बेसूद, 13 माह के बाद गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड पर रिमांड। मैं तो कहता हूं सनम जावेद के वालिद को चाहिए कि वो एहतजाज करते हुए अपना वकील पेश ही ना करें। ये बोसीदा निजाम इंसाफ निजाम इंसाफ है, यहां से उम्मीद ना रखें। 138 दिन रह गए हैं, ये चीफ जस्टिस जाएंगे तो आपकी सुनवाई होनी है। तो उन्होंने कहा जब तक काजी फायज ईसा जैसा जज बैठा हुआ है निजाम इंसाफ से आप तवक्को ना रखें, आप अपना वकील ही पेश ना करें। अब रात को जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने मुंह काला करवाया वो तो हुआ ही हुआ। आप जरा अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के साथ हो क्या रहा है। कहीं पे कोई रिटायर्ड जर्नैल बैठा हुआ है, कहीं पे कोई मोहसिन नकवी जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो खेलों का शोभा है वो भी मजाक बन चुका है, मुकम्मल तौर पर सियासी हो चुका है। आप जरा फुटबॉल का हाल देख लें। फुटबॉल जो कि एक बड़ी गेम है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो गेम है वो फुटबॉल ही है। तो लिहाजा पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने ताजिकिस्तान जाना था और वहां पे उन्होंने जो है वो फीफा के क्वालिफाइंग राउंड के लिए ताजिकिस्तान के साथ मैच खेलना था 11 जून को, यानी आज 10 जून है, 11 जून कल उनका ये मैच है। अभी तक पाकिस्तानी टीम ताजिकिस्तान नहीं जा सकी। ये जुबैर अली खान रिपोर्टर हैं, उनकी खबर है, कहते हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम ताहाल ताजिकिस्तान रवाना ना हो सकी। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फीफा क्वालिफाइंग राउंड का मैच 11 जून को शेड्यूल है। अगर टीम पाकिस्तान ताजिकिस्तान ना पहुंची तो फीफा पाकिस्तान पर जुर्माने और पाबंदियां भी आयद कर सकता है। मामला वजीर आजम ऑफिस के नोटिस में होने के बावजूद ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो कहते हैं कि अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब ये ताजिकिस्तान कितना को दूर है, कौन सा कैनेडा है, ये साथ तो पाकिस्तान के ताजिकिस्तान है। तो लिहाजा ताजिकिस्तान जाने के लिए भी इंतजाम, कोई टिकट शिकट, कोई उनको क्लियरेंस या कोई एनओसी, जो भी मसाइल है वो देना, तो ये भी नहीं हो सके। और फिर तनकीदें होती हैं जी पाकिस्तान के अंदर ही होगा पूरा, यानी सिस्टम ही बड़ा हुआ है काजी फायज ईसा की अदालत से लेकर। लेकिन इमरान खान ने अब काजी को जिस इम्तिहान के अंदर डाल दिया है, और खास तौर पे इमरान खान ने जो चंद दिन पहले नैब तरामीम केस के अंदर जो काजी साहब को कहा था, इमरान खान ने कहा था काजी साहब जरा पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो आपने लाइव नशरियात ना दिखाने के हवाले से फैसला दिया है, और उसमें लिखा कि हमें ये डर था कि इमरान खान कुछ सियासी बात कर देंगे, अदालत का गलत इस्तेमाल करेंगे। खान ने कहा काजी साहब मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, और आप जितने यहां पर पांच जज बैठे हुए ना, मैं पांचों से उम्र में बड़ा हूं, मैं एक बड़ा सियासतदान हूं, आपने मुझे गैर जिम्मेदार कैसे कह दिया। मुझे उन्होंने कहा आप पे अफसोस हो रहा है, आपने मुझे गैर जिम्मेदार कैसे कह दिया, आपने ये तवक्को कैसे कर ली कितना बड़ा आपसे उम्र में बड़ा एक बड़ा सियासतदान, एक बड़ी जमात का सरबराह, साबिक वजीर आजम गैर जिम्मेदार या अदालत को इस्तेमाल कर सकता है। तो यानी आप काजी साहब चारों तरफ से फंसे हुए हैं। वो जो कहती हैं कि मेरे होते हुए जो है वो कोई स्टैब्लिशमेंट कोई किसी अदालत को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो जिस तरह से अदालतों में हो रहा है, और जिस तरह से काजी साहब खुद वो जजेस जो मजबूत हैं जो तगड़े हाई कोर्ट्स को चला रहे हैं उनको तब्दील कर करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ला रहे हैं, और उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक को छेड़ भी नहीं रहे, और फिर कुल मुकुला इंटरफेरेंस हो रही है, चाहे सनम जावेद का मामला हो, आलिया हमजा का मामला हो, ये सरगोधा के जज का मामला हो, 6 जजेस का मामला हो, उधर पिशावर हाई कोर्ट के अंदर जजेस को तालिबान से धमकियां मिल रही हूं, और काजी साहब फिर हाजी और बड़े बने कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तो हर तरफ से काजी साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं।